पानीपत के तहसील कैंप रामनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 वर्षीय पारस नाम के छात्र की सिर में गीजर की गैस चढ़ने से मौत हो गई। दरअसल मृतक पारस हर रोज की तरह स्कूल में जाने के लिए नहाने के लिए गया था, लेकिन जब वो आधे घंटे तक बाहर नहीं निकला तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और दरवाजा तोड़ दिया। देखा कि पारस बाथरूम में बेहोश अवस्था में पड़ा था और गीजर खुला हुआ था, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन पारस को एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया और सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने पारस को मृत घोषित कर दिया। आज हमें सरकारी अस्पताल पानीपत से बदरिया टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक लड़का पारस, उम्र करीब 17 साल, जो तहसील कैंप का रहने वाला है, उसी के घर में बने बाथरूम के गैस गीजर से गैस चढ़ने की वजह से उसकी मौत हुई है। इस इत्तला पर हम सरकारी अस्पताल आए थे, जहाँ पर उसके पिता विनय कुमार के बयान पे हमने कार्रवाई 74 CRPC की गई है। बाद पोस्टमार्टम नास हवाले वारसान की जाएगी।